दोस्तों पंजाब विच अज एक होर फ्रैश भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों अप्लाई तुसी करना जी ऑफलाइन, अप्लाई करने लिए तुहानू इस एप्लीकेशन फार्म की जरूरत होगी। इस एप्लीकेशन फार्म का लिंक प्लस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, उत्तों तुसी डाउनलोड करके एक बार चंगी तरह पढ़ लेना जी। पढ़ने तो बाद फिलअप करके मैं डॉकूमेंट सारे दे नाल लगा के किस एड्रैस से तुसी डॉकूमेंट्स भेजने ने जी और किस तरीके नाल भेजने होणगे सारी जानकारी डिटेल च देंगे। कृपा करके वीडियो ते बने रहो। सब तो पहला एड्रैस नोट कर लो जिस एड्रैस से तुसी अपने डॉकूमेंट्स भेजने होणगे जी। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी 4th फ्लोर प्रयास बिल्डिंग सैक्टर 38B चंडीगढ़ के एड्रैस से 7/8/2023 शाम 5 बजे तक तुसी अपने डॉकूमेंट्स भेज सकते हो जी। भेजना तुसी किवें जी, जां तां तुसी डाक द्वारा भेज सकते हो जी जां फिर खुद बाई हैंड जाके अपने डॉकूमेंट जमा करा सकोगे। चलो दोस्तों आप चलते हैं नोटिफिकेशन के उपर। दोस्तों अभी भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया जी, पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी चंडीगढ़ वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों होर भी जानकारी तुसी हेल्पलाइन नंबर या मेल आई डी मेल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो जी। दोस्तों बिल्कुल फ्रैश भर्ती है जी, हुणे हुणे नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों जानकारी चंगी लगी तो वीडियो लाइक और वीडियो अपने प्यारे मित्र शेयर जरूर करो जी। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पोस्टा कॉन्ट्रैक्ट बेस से अनाउंसमेंट किए गई जी, बख बख पोस्टा लिए तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट एंड डिटेल कैटेगरी वाइज सैलरी और क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर एक है जी, कलस्टर प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है जी। पोस्ट है जी एक SC कैटेगरी की पोस्ट है जी, फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। ये सारिया पोस्टा SC कैटेगरी वास्ते अनाउंसमेंट की गई जी। पोस्ट नंबर दो है जी, क्लीनिकल सर्विस अफसर की पोस्ट है जी। टोटल पोस्ट ने जी दो, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट नंबर तीन है जी, डाटा मोनिटरिंग एंड डॉकूमेंटेशन अफसर की पोस्ट है जी। पोस्ट है जी एक, फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। इन्हां पोस्टों की सैलरी कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर एक लई है जी 54,300 रुपया, पोस्ट नंबर दो लई है जी 46,800 रुपया, पोस्ट नंबर तीन लई है जी 37,500 रुपया प्रति महीना सैलरी दत्ती जाएगी। उम्र हद कुछ इस प्रकार है जी, पोस्ट नंबर एक लई जी 50 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जी। पोस्ट नंबर दो और तीन लई जी 45 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है जी, पोस्ट नंबर एक लई जी कलस्टर प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट लई है जी। बैचलर डिग्री तुसी कंप्लीट की है, मेडिकल साइंस मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल साइंस साइकोलॉजी विच तुसी कंप्लीट की है। 3 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है, तां तुसी अप्लाई कर सकोगे। पोस्ट नंबर दो जी क्लीनिकल सर्विस अफसर की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन सेम है जी, ये जो एक्सपीरियंस है 1 साल का एक्सपीरियंस है तो तुसी अप्लाई कर सकोगे। पोस्ट नंबर तीन जी, डाटा मोनिटरिंग एंड डॉकूमेंटेशन अफसर की पोस्ट है जी। क्वालिफिकेशन सेम है जी, ये भी 1 साल का एक्सपीरियंस तुहाडे कोल है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। अप्लाई करने की लास्ट डेट द्वारा फिर दस दिना जी 7/8/2023 शाम 5 बजे तक तुसी ना पोस्ट लिए अप्लाई कर सकोगे। इन्हां पोस्टां लई जो तुहाडा सिलेक्शन होगा, सब तो पहला रिटन एग्जाम अते इंटरव्यू विच जो अंक होणगे, उस तो बाद कंप्यूटर टाइपिंग तुहाडा इंग्लिश विच होगा, उसके आधार पर तुहाडा सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों जिन्हां उम्मीदवारों ने 10वीं पंजाबी भाषा नाल पास की है वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। जेकर तुसी मेल द्वारा अप्लाई करोगे तो तुहाडी एप्लीकेशन नूं रिजैक्ट करता जाएगा। जो अनकंप्लीट एप्लीकेशन फार्म होंगे भी वो भी रिजैक्ट करते जाएंगे जी। पोस्टों की गिनती घटाया बताया जा सकता जी। ये पोस्टा टैंपरेरी बेस से अनाउंसमेंट की गई ने 1 साल वास्ते। इंटरव्यू अटेंड करने लई जां डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन लई तुहानूं कोई TD का भुगतान नहीं किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता मेरे द्वारा जानकारी तुहानूं चंगी लगी, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।